ऐसे भी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बताया ना कुछ दिनों के लिए से एकांत में था, क्योंकि बड़े अच्छे साधक, तो ऐसी थोड़ी ऐसी भजन साधन की कुछ बात हो रही थी, तो मुझसे कहने लगे कि आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ मिला है। बड़े अच्छे साधक है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। अवस्था में भी, शरीर की अवस्था में मुझसे बहुत बड़े हैं। ऐसे मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, बोले आपको देखकर ऐसा लगता है आपको कुछ मिला है। तो मैंने कहा भाई हमको तो मिलने की आशा मिली है। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा कैसे बताएं, मिलने की आशा मिली है, बता तो वो भी नहीं सके जिनको सच में मिला है, वो भी नहीं बता सके। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना का करे बढ़ाई। हमको तो सत्संग की कृपा से मिलने की आशा जरूर बंधी है। तो ऐसे मैंने चार पंक्तियां उनको सुनाई, निकाह सितारों से आगे जहां मिल गया है, सितारों से आगे जहां मिल गया है, हमें एक हसी मेहरबान मिल गया है, और मोहब्बत ही बहती है आबो हवा में, मोहब्बत ही बहती है आबो हवा में, जहां ला मकां का मकां मिल गया है। गुरु की कृपा से पता तो मिल गया है हमको, क्योंकि संत कह रहे हैं जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। खबर तो पड़ गई है भाई कि अगर कभी मिला तो देखो छुपे हो वह कुंज कुटीर में, बैठे हो पलूटत राधिका पायन। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा इस उलझे हुए जीवन में सीधा सच्चा मार्ग भी मिल जाए ना भाई चलने के लिए, बहुत बड़ी कृपा है, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। सीधा सच्चा रास्ता मिल जाए, सीधे सच्चे रास्ते पर पैर पड़ गया तो भाई आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। और फिर मैंने आपसे कहा भाई यहां तो असफल होने की कोई संभावना ही नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात कि भूमि के नीचे जल है ये पक्की बात है, कितनी गहराई पर है ये नहीं कहा जा सकता। कहीं बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है, कहीं देर लगती है, पर भूमि के नीचे जल है, इस सत्य को कोई नहीं नकार सकता। ऐसे ही गुरुजनों की कृपा से साधन में लगे रहने वाला व्यक्ति आत्मोन्नति अवश्य करता है, देर सवेर अवश्य करता है। किसने पूछा ना भाई भजन कर रहे हैं लेकिन हृदय शुष्क है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, पानी और गहरा होगा पर है, मोती और गहरा होगा समुद्र में पर है। और फिर मोती लाने वाले को बड़े लोग कहते हैं वो मर्जिया होता है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर ही मोती लेने जाता है। चिंता मत करिए, चिंता किस बात की, खोने के लिए हमारे पास में क्या है, कुछ खोने के लिए हो तो चिंता हो, क्या है हमारे पास, क्या खो जाएगा। हम भजन में लगे हैं, हमको किस हानि का भय है, क्या है, एक बार इस बात का विचार करो। कोई हानि हो रही हो, कोई भय, कोई चिंता हो तो बताओ। कोई भय, कोई चिंता, कोई हानि है नहीं, लगे हैं, लगे रहिए, करते रहिए। और अगर गुरुजनों की बात में श्रद्धा हो, विश्वास हो, फिर तो भरोसा रखो, भाव भरोसा दोनों रखो। यहां कोई असफल नहीं होता, प्रभु के द्वार से कोई खाली नहीं जाता है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। देर इसलिए लगती है, सुनो, देर इसलिए लगती है कि हमारे पात्र को उदार होने में समय लग रहा है। आज आप ही जाएं प्रभु तो कहां बिठाओगे, मैला मन है। नवदा भक्ति की भाव साधना से, सत्संग की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं, अपने मन के मंदिर को बना रहे हैं। तो इसलिए एक एक बात बस अपने भाव में रखकर बनत बनत बन जाए। मेरी एक बात का आप विश्वास रखना, यहां असफल कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। जो संतों गुरुजनों की कृपा से लगा है वो एक दिन अवश्य प्राप्ति करेगा, अवश्य प्राप्ति करेगा।